अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 63। और आज के इस लेसन में हम एडवांस फीचर की तरफ आएंगे ऑटो कैड 2015 के। और आज के इस लेसन से हम 3D मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे कि 3D मॉडलिंग आप कैसे करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हमारे पास काम स्टार्ट होगा आज से। और 3D मॉडलिंग के ट्यूटोरियल्स आपको इंटरनेट से इजीली आपको मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने 3D मॉडलिंग पे ऑटोकैड पे ट्यूटोरियल्स बनाए हुए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने 2D में और 3D में सिंपल किए हुए हैं, 3D मॉडलिंग किसी ने नहीं की हुई। तो 3D मॉडलिंग में मैकेनिकल स्ट्रक्चर हम बनाएंगे और उसके अलावा सिविल के स्ट्रक्चर कुछ बनाएंगे। सिविल के लिए हम होम डिज़ाइन करेंगे, ब्रिज वगैरह डिज़ाइन करेंगे और उसके अलावा कुछ स्टेयर्स वगैरह ये सारे काम करेंगे। जबकि मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल के स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे, जैसे कि हम गेट बनाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के बैरिंग्स डिज़ाइन करेंगे और इसके अलावा और शॉफ्ट वगैरह या इस तरह जो भी मैकेनिकल स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे हम वो डिज़ाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, 3D मॉडलिंग बहुत एडवांस फीचर है ऑटो कैड का। तो इस फीचर के बारे में जानने के लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। ओके, ऑटो कैड को ओपन किया और ये जो 3D मॉडलिंग है ये सिर्फ और सिर्फ ऑटो कैड 2010 के बाद स्टार्ट हुआ। ऑटो कैड 2007 में या 10 से पहले वाले जितने वर्जन हैं उनमें ऑटो कैड में 3D मॉडलिंग का ऑप्शन नहीं था, जिसमें आप सॉलिड एडिटिंग भी कर सकते हो, 3D मॉडलिंग कर सकते हो, मैश एडिटिंग कर सकते हो। तो ये ऑटो कैड में कुछ एडवांस फीचर्स हैं, जो कि आप तकरीबन ज़्यादा लेंथी भी है और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल भी है, आप डायरेक्ट 3D मॉडलिंग इसके थ्रू कर सकते हो। और आज से हमारा बहुत इंटरेस्टिंग काम स्टार्ट होगा। इससे पहले हम टूल्स तो करते रहे, लेकिन वो इतने मज़े के टूल मेन आप 2D टूल थे, जो कि आप पहले ऑटोकैड 2007 में भी आपने किए थे। इसलिए जिन लोगों ने ऑटोकैड 2007 किया हुआ है तो उनको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा। और आज के इस लेसन में जो हम मॉडलिंग करेंगे तो इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा और काम करते हुए मज़ा आएगा और आप अपनी मर्जी से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकोगे। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है कि आपने अपने पास कॉपी पेंसिल रखनी है और आपने गौर करना है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और किस तरह मैं टूल्स को यूज़ कर रहा हूँ। ऑटोकैड को ओपन करता हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास 3D मॉडलिंग वाला वर्क स्पेस ओपन है। आपके पास जो होता था नॉर्मल, हमने जितना भी काम किया वो ड्राफ्टिंग एंड एनिमेशंस पे काम किया था, हमने ड्राफ्टिंग पे काम किया था। तो ड्राफ्टिंग के तकरीबन हमने होम वाला टैब कर चुके हैं, इंसर्ट सिर्फ रहता है, और इनवर्स वाला टैब भी हमने किया है, कंप्लीट किया है, और पैरामीटर्स भी कंप्लीट किए हैं। व्यू का टैब रहता है और मैनेज और आउटपुट ये टैब रहते हैं, ये हम मॉडलिंग में भी देखेंगे, मॉडलिंग में भी इन पे काम करेंगे। और ओके, तो इसके लिए मैं यहां से आप यहाँ से थ्री डी मॉडलिंग का जो आपके पास यहाँ पे वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस अगर आपके पास सामने एक्टिव नहीं है तो आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और सबसे ऊपर वाली बार पे आपने राइट क्लिक करना है, जिसको हम ऊपर वाली बार को हम कहते हैं टाइटल बार, और ये जो एरिया होता है इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार पे आपने क्लिक करना है, करने के बाद आपने वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वर्क स्पेस एक्टिव हो जाएगा। और दूसरा तरीका यह है वर्क स्पेस को लाने का कि आप यहाँ पे नीचे सबसे नीचे देखें तो आपके पास वर्क स्पेस एक्टिव क्या होता है, जस्ट आपने क्लिक करना है इसकी सेटिंग्स में और यहाँ से आपने 3D मॉडलिंग वाला वर्क स्पेस एक्टिव करना है, या फिर आप यहाँ पे जाके यहाँ से आपने 3D मॉडलिंग का वर्क स्पेस एक्टिव करना है। ओके, यहाँ पे 3D मॉडलिंग का वर्क स्पेस एक्टिव हो गया और अब मैं इसको यहाँ से एडजस्ट करता हूँ नीचे कमांड एरिया को। और यहां पे जाता हूं और इसको मैं करता हूं जी सेव करंट एस। वर्कस्पेस सेटिंग में जाके तो इसको मैं डिफॉल्ट में जाके इसको डिफॉल्ट सेटिंग से मैं इसको करता हूँ, ताकि ये बार बार मेरे पास जो है ना ये जो कमांड एरिया ये वापस अपनी जगह पे ना आए। तो उसके लिए अब मैं कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो कस्टमाइज में मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और मैंने कौन सा किया जी 3D मॉडलिंग करंट है, और इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके तो इसको आपने करना है सेट डिफॉल्ट पे क्लिक करना है, क्लिक करें और यहाँ से इसको क्लोज कर दें।
ओके अब ये डिफॉल्ट्स मेरे पास रहेगा। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपने अगर यहाँ पे काम करना है 3D मॉडलिंग के लिए, तो आपने इसके लिए इसका तो एक तो आपने लेआउट चेंज करना होगा, और दूसरा अगर आप इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं गाइड्स को ग्रिड्स को मूव ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आप 7 प्रेस करके आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 3D मॉडलिंग में इनको ख़त्म ना करें। ओके, 3D मॉडलिंग के लिए आपने जो काम करना है सबसे पहले वो काम ये करना है कि आपके पास यहाँ पे ये जो आइकन है, ये जो एरिया है, इस एरिया को कहते हैं जी, मैं देख के बताता हूँ इसको क्या कहते हैं, पैनल है और होम पैनल, इसको व्यू कहते हैं, व्यू कहते हैं, और आपने ये इसको ख़त्म करना है। सॉरी यहाँ पे पैनल हमारे पास व्यू का ख़त्म हो गया। सॉलिड है, मैश है, इंसर्ट शो पैनल है, और इसको सॉरी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, मिनिमाइज टैब है और क्विक थ्रू है। इसका नाम देख के मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो इसको क्यूब कहते हैं, आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी राइट क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे लिखा व्यू क्यूब सेटिंग, तो ये क्यूब इसको कहा जाता है क्योंकि मेरे जहन से नाम निकल गया था इसका। और इस व्यू क्यूब के ऊपर जब आप इसके ऊपर जो ही अपना पॉइंटर रखते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक होम टैब बना हुआ है, होम का देख सकते हैं, होम का बटन होगा, इस बटन पर आपने क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि हमारा यूज केस आइकन हमारे पास क्या हो गया, 3 डायमेंशन में आ गया। अगर ये यहाँ पर दोबारा क्लिक करें, अब ये वापस नहीं अपनी पोजीशन में जा रहा, वापस नहीं जा रहा, तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे ये SW आइसोमेट्रिक में आ गए और इसको आपने टॉप पे क्लिक करना है। जब टॉप पे करते हैं तो ये आपके पास 2D वायर फ्रेम आपके पास आ जाता है, ये 2D डायमेंशन है। और जब आप इसको यहीं पर जाके और SW आइसोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास 2D वायर फ्रेम है, लेकिन ये हमारे पास जब आप इसके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे जब बटन करते हैं तो ये 2D वायर फ्रेम है, लेकिन ये 3 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाते हैं जब इसमें हम देखें 3 डायमेंशन वापस आएंगे एक्स वाई और जी। और 3 डायमेंशन में लाने के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने शेड अगर देते हैं, और आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं शेडेड देता हूँ तो शेडेड वाला मेरा डायमेंशन आ जाएगा और ये 3D डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो 3D डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अब मैंने ये जो काम किए, मैंने सबसे पहला जो काम किया है वो दोबारा आपको बताता हूँ कि टॉप मेरे पास ये जो इस तरह की डायमेंशन थी, सॉरी वर्क स्पेस था, और लेआउट भी मेरे पास यही था, तो मैंने यहाँ पे इस टॉप के बटन पे क्लिक किया तो ये टॉप पे आ जाता है, देख सकते हैं आप। और अगर आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, आप बस देख सकते हैं 3 डायमेंशन में SW आइसोमेट्रिक फंक्शन में आ जाता है। UCS आइकन को अपने ओरिजिन पॉइंट में लाने के लिए आप करेंगे UC एंटर और डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट और ओके करेंगे तो अपनी ओरिजिन पॉइंट में ही आ जाएगा। ओके, अब सबसे पहले मॉडलिंग है, होम में मॉडलिंग है, फिर मैश है, फिर सॉलिडेटिंग है, ड्रॉ है, मॉडिफाई है, सेक्शन है, ड्रॉ और मॉडिफाई हम कर चुके हैं, सेक्शन है, कोऑर्डिनेट्स है, व्यू है, और इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन है, तो ये चीज़ें हम करेंगे। बस सॉलिडेटिंग है, सॉलिड है, फिर हमारे पास सरफेस है, इनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास बॉक्स है, तो बॉक्स में आज हमने जो जो काम करना है वो क्या करना है, हमने एक बॉक्स सिलेंडर और कॉन की शेप कैसे ड्रॉ होती है, किस तरह इस पर काम किया जाता है वो हम करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखें एक सबसे पहले बॉक्स और ऑप्शन है, क्लिक करें इस पर, यहाँ से आप ड्रॉ कर दें तो ये देखें 3D में खुद ऑटोमेटिकली बॉक्स बन गया। अब व्यूवर्स देखें ये हमारे पास 2D वायर फ्रेम है,
वायर फ्रेम को खत्म करने के लिए आप इसमें शेड लाना चाहते हैं, तो आप एक तो यहां पे इस बटन पे क्लिक करें 2D वायर फ्रेम में, और यहां पे आपके पास शेडेड आया हुआ है, शेड ऑफ ग्रे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। दूसरा तरीका यह है कि आप यहां पे व्यू में इस बटन पे क्लिक करेंगे, और यहां से 2D वायर फ्रेम है इस बटन पे क्लिक करें, तो यहां पे आपको देखो कलर भी बता रहा है और कौन सा कलर आपने यूज करना है आपको वो भी बता रहा है। तो मैं यहां पे शेडेड ऑफ ग्रे पे क्लिक करता हूं, तो यहां पे देखिएगा ये इसका ग्रे शेड आ जाएगा आपके पास क्यूब का, देख सकते हैं। कोई और शेड देना चाहे तो कोई और शेड भी आप दे सकते हैं, तो व्यू में आप जाके आप शेड चेंज करना चाहें शेड भी चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये शेड होते हैं इसके, तो मैं यहाँ पे शेड ऑफ ग्रे पे क्लिक करता हूँ, तो ग्रे शेड भी मेरे पास यहाँ पे आ गया और एक क्यूब हमारे पास बन गया, बॉक्स बन गया। फिर मैं क्लिक करता हूँ, देखिएगा देखिए बॉक्स बन गया। अब ये बॉक्स जो बना है ये हमारे पास एक एक्यूरेट डायमेंशन के पे तो नहीं बना, तो एक्यूरेट डायमेंशन देने के लिए आप डायमेंशन भी सेट करें और यूनिट्स भी सेट करें, एक्यूरेट यूनिट्स। तो UN एंटर करता हूँ और इंजीनियरिंग यूनिट्स देता हूँ 0 फुट 0 इंच देता हूँ, ओके, और इंचेस में ही काम करूँगा, ओके। और जो आप ऑटोकैड मैकेनिकल में जो काम होता है वो इंचेस में नहीं होता, वो आप यहाँ पे जो काम करते हैं मिलीमीटर्स में आप काम करते हैं, इंचेस में नहीं मिलीमीटर्स में काम करते हैं, लेकिन हम फिलहाल इंचेस पे ही काम करेंगे, ओके। अब मैं यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ करता हूँ, तो उसके लिए देखें बॉक्स, बॉक्स पे क्लिक किया और अब मैं एक स्पेसिफिक कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ, तो मैं फर्स्ट कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ, अब कह रहा है स्पेसिफाई अब नेक्स्ट कॉर्नर, तो नेक्स्ट कॉर्नर पे क्लिक करें या फिर आर यहाँ पे दे रहा है क्यूब या फिर लेंथ दे रहा है, देखें। तो क्यूब के लिए आप सी एंटर करेंगे, देखें ये क्यूब बना हुआ है, देखें क्यूब का जितना साइज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। क्यूब को आप साइज देते हैं, मैं 1 फुट देता हूँ साइज को, 1 फीट देता हूँ साइज, एंटर करता हूँ, तो देखिए 1 फीट के फासले में बस एक क्यूब बन गया, देख सकते हैं डायमेंशन इसकी चारों साइड से 1 फीट है। और अगर आप इसी चीज को लेंथ देना चाहते हैं तो लेंथ के लिए आप एल एंटर करेंगे, एल एंटर करता हूं मैं, देखें लेंथ है, तो लेंथ में आपको कह रहा है स्पेसिफाई लेंथ, लेंथ में इसको देता हूं जी 1 फिट, एंटर। दूसरी साइड भी मैं देता हूं इसको 1 फिट, एंटर। और टॉप पे मैं इसको देता हूं फॉर एग्जांपल हाइट इसको देता हूं 5 फिट, देखें जरा क्यूब ड्रॉ हो गया। ये था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये क्यूब ड्रॉ करने का, बॉक्स ड्रॉ करने का, उसके लिए आप यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने एट द रेट प्रेस करना है, एट द रेट 5 फिट कॉमा 5 फिट, एंटर करें, देखिए 5 बाय 5 का वापस ये बन गया। हाइट इसको देनी है आपने, सॉरी यहाँ पे गलत गलत हो गया, बॉक्स फर्स्ट पॉइंट पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने देना है एट द रेट 5 फिट कॉमा 5 फिट, 5 बाय 5 के पास बन गया, देख सकते हैं। और हाइट इसको देनी है आपने, तो हाइट देने के लिए आप इसको हाइट दें जी, ये माइनस में आ रहा है तो मैं इसको हाइट देता हूँ 5 फिट, तो 5 फिट की हाइट भी आ गई और 5 बाय 5 के पास क्यूब भी ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं। तो ये कुछ ये 3 तरीके थे आपके क्यूब को ड्रॉ करने के, क्यूब को इंसर्ट करने के, क्यूब है ये बॉक्स है जो भी है, ठीक है। उसके बाद है सिलेंडर, सिलेंडर शेप के लिए क्लिक करें और सिलेंडर के लिए आपसे कहता है फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, अब आपसे डायमीटर मांग रहा है, देखें स्पेसिफाई बेसिक रेडियस, रेडियस दें या फिर डायमीटर दें, तो डायमीटर के लिए यहाँ पे नीचे देखें डी लिखा हुआ है, तो रेडियस देना चाहे तो रेडियस दे सकते हैं और डायमीटर देना चाहे तो डायमीटर, डायरेक्ट क्लिक डायरेक्ट आप लिखते हैं जब, तो वो आपका आएगा रेडियस, तो मैं 5 फिट इसको देता हूँ, रेडियस दे दिया। हाइट इसको दें 4 फिट, इसको मैं हाइट दे देता हूँ, तो ये देखें एक रेडियस में हमारे पास बन गया। अब इसी तरह अगर आपने सिलेंडर जो है तो आपने डायमीटर देना है, डायमीटर के लिए डी एंटर करेंगे 5 फिट देंगे और 4 फिट देंगे डायमीटर। अब देखिए रेडियस से कम है, तो मैंने आपको पहले
लेसन में जब हमने सर्कल के ऊपर डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था डायमीटर हमेशा आपके जो रेडियस होते हैं रेडियस से कम होता है। अगर आप डायमीटर 10 देंगे तो रेडियस आपका, आप अगर डायमीटर सॉरी अगर आप रेडियस 5 देंगे तो डायमीटर 2.5 होगा, अगर आप रेडियस जो है तो 10 देंगे तो डायमीटर 5 होगा। तो यहाँ पे देखिए उसका हाफ आ जाता है। तो ये था जी हमारे पास सिलेंडर का। नेक्स्ट है कॉन। कॉन में भी यही काम है, फर्स्ट आपने क्लिक करना है, पहले में आपने डायमीटर देना है या फिर आपने रेडियस देना है। तो मैं डायमीटर देता हूँ, डायमीटर के डी एंटर करता हूँ और 10 में डायमीटर देता हूँ। और कॉन की शेप आप देते हैं, देखें कॉन की शेप देते हैं, कॉन को मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 9 फिट। देखिए 9 फिट मेरे पास यहाँ पे शेप आ गई और मेरे पास एक कॉन शेप बन गई है, देख सकते हैं। तो ये थी जी तीन शेप, कॉन शेप, सिलेंडर एंड सॉरी बॉक्स, सिलेंडर एंड कॉन। और उम्मीद करता हूँ आपको इस 3D की समझ आई होगी, 3D मॉडलिंग में किस तरह काम करते हैं, किस तरह हम 3D में काम करेंगे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम और बाकी के टूल्स जो है वो करेंगे, स्फेयर टूल करेंगे, पैरामिड करेंगे, विड्थ करेंगे और टॉरस करेंगे। तो ये टूल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।